मध्य प्रदेश में शनिवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की पांचवी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में भगवा दल ने 92 कैंडिडेटों को चुनावी समर में उतारा है। सूबे की कुल 230 सीटों में से भाजपा ने पांचवी लिस्ट जारी कर अब तक 228 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीजेपी की पांचवी लिस्ट देखकर राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को खासा हैरानी हुई। दरअसल बीजेपी ने उम्र और परिवार को लेकर एक नियम बनाया था। ये नियम बाकी के चार सूचियों में देखने को भी मिली थी, लेकिन पांचवी लिस्ट चौंकाने वाली थी। नियमों को लेकर लचीला रुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता परिवारवाद के खिलाफ खुलकर हमला कर रहे हैं। वहीं भगवा दल बुजुर्ग नेताओं की जगह नए चेहरों को राजनीति में लाने के लिए जानी जाती है। पूर्व में उम्र का हवाला देकर बीजेपी ने कई दिग्गजों को चुनाव का टिकट नहीं दिया था, लेकिन एमपी में पार्टी ने इन दोनों नियमों को लेकर लचीलापन रुख अपनाया है। पुराने खिलाड़ियों के साथ साथ एक परिवार के दो लोगों को भी टिकट दिया गया। कई पुराने खिलाड़ी मैदान में। दमोह सीट से जयंत मलैया को मैदान में उतारा गया है। उनकी उम्र 76 साल है। माया सिंह को ग्वालियर पूर्व सीट से टिकट दिया गया है। माया सिंह की उम्र 74 साल है। 73 साल के सीताराम शर्मा को होशंगाबाद सीट से टिकट दिया गया है। 80 साल के नागेंद्र सिंह को भी इस बार टिकट दिया गया है। एक घर से दो को टिकट। अब तक जारी चार लिस्ट में किसी भी नेता के बच्चों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। पांचवी सूची में बीजेपी ने गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया है। इसके अलावा भगवा दल ने मंत्री विजय शाह के भाई संजय शाह को भी टिकट दिया है। सियासी मायने क्या है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 17 नवंबर को होने जा रहे एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। ऐसे में पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट करने का प्लान बना रही है। बता दें इस साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन राज्यों के चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। ऐसे में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।